Clothes, touch, ऊपर नीचे झूले, टांगों को खोलकर बहुत बढ़िया स्टॉप रिलैक्स शवासन अधिलिंगम ऊपर दोनों पांव के बीच पास ला तीन बार डीप ब्रीदिंग करेंगे श्वास पे ध्यान भेजा बार बार मन को प्राण में ले रखें यथा प्राण लिए थे तत्र प्राण लिए थे जब मन प्राण एक दूसरे में लय हो जाता है तब आपको एक महान आत्म आनंदमय अवस्था की प्राप्ति होती है जिसको कहते हैं योग युक्त अवस्था इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर ध्यान योग का अभ्यास ध्यान योग आप तभी कर पाएंगे जब मन स्थिर होगा मन स्थिर होता है आसन से स्वस्थ शरीर से और स्वस्थ मन से उसके लिए दिन प्रति सुबह शाम योग अभ्यास करें और अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बनाते चले अब कहेंगे पाद हस्त स्पर्श आसन दोनों पर मिलाए दोनों हाथ ऊपर ले जाए श्वास बढ़ते हुए श्वास जोड़ते हुए पांव को स्थिर रखें दोनों हाथ से पांव के अंगूठों को टच करें स्टार्ट वन टू दस बार करें इसको रिलैक्स शवासन हाथ बांधी ले गहरी लंबी श्वास भरे लंबे भरे श्वास का ध्यान भेजा पेट के एक्स्ट्रा फैट को घटाने के लिए लास्ट आसन करेंगे हलासन पहले सर्वांगासन करें अर्ध सर्वांग करें 90 डिग्री पैर को उठाए पैर पूर्ण सर्वांग ये पूर्ण सर्वांगासन कॉन्स्टिपेशन के लिए पेट की चर्बी को घटाने के लिए कंसंट्रेशन के लिए लेग्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल है सर्वांगासन शीर्ष आसन से भी महान आसन कहा गया श्रेष्ठतम आसन कहा गया ध्यान योग के लिए मानसिक एकाग्रता के लिए सूक्ष्म मुक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है सर्वांगासन अब धीरे धीरे हल आसन में ले जाए पैर जोड़े रखें दोनों हाथ पीछे ले जाए पैरों की तरफ वापस धीरे धीरे
वापिस आ गए, अपने पोजिशन पे आ जाए। एक बार और इसका प्रयास करें, दोनों पैर मिलाए, पहले अर्ध सर्वांगासन, ये पूर्ण सर्वांगासन में आप हैं, हलासन, दोनों हाथ पंजों की तरफ ले जाएं और पांव को सेपरेट कर दें, पांव पैरों को। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बॉडी फिटनेस के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। चलो क्लोज, अब धीरे धीरे बॉडी को वापस लिया, धीरे धीरे बॉडी को वापस लिया। आसन करते हुए ध्यान रखें चेहरे में झटका ना लगे, ये सभी आसन है मोटापा कम करने के लिए। शवासन ले जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, सर्वदेव जी का फरमान है, नित प्रति योग अभ्यास के साथ साथ हमें भोजन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जितनी चीजों का परहेज करना चाहिए, नियमित रूप से भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, तला भुना मिर्च मसाला युक्त जितने बाजारी पदार्थ मसाले युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, जितना भूख है उससे कम भोजन खाना चाहिए, तब हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। मोटापा कम करने के लिए मैदा, मैदा युक्त पदार्थ, चीनी, चीनी युक्त पदार्थ, सेंधा नमक के अलावा कोई भी नमक, नमकीन पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ, इस प्रकार इन पदार्थों को हमने अवॉइड करना है, इन पदार्थों का सेवन हमने त्यागना है। सुबह 10:30-11 बजे तक आप भरपेट भोजन करें, 11:30-11 बजे तक आपकी जठरा की बिल्कुल हाई पीक पे होती है, उसके बाद दोपहर को बिल्कुल हल्का भोजन, शाम को और भी हल्का भोजन, इस प्रकार करोगे तो तरह तरह की बीमारियों से आपको आपको राहत मिलेगी, बीमारियों से बचे रहोगे और मोटापा आपका कम हो जाएगा। एक चीनी को छोड़ दीजिए, नमकीन चीजों को छोड़ दीजिए, तली चीजों को, मैदे वाली चीजों को छोड़ दीजिए, आपका मोटापा, बड़ी आसन का अभ्यास करें, आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। मोटापा भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। इतने कहते हुए आज की कक्षा समाप्त करेंगे। वो सर्वदेव भगवान की नित प्रति दिव्य मंदिर 7 सेक्टर में 3:30 से 4:30 तक योग कक्षा, जो दो चार बंदों को लेके चलाया जा रहा है, इस कक्षा का लाइव दिया जाएगा। जब तक आश्रम प्रॉपर ढंग से नहीं खुलता, ओपन नहीं होता, तब तक सभी साधक, सभी योग प्रेमी, सभी भक्तजन इस प्रकार लाइव फेसबुक में लाइव में देखकर अभ्यास घर में करें, और अभ्यास करने के 4 घंटे पहले भोजन करें, भोजन के 4 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, अभ्यास करने के पहले 4 घंटे अपने पेट में कोई भी भोज्य पदार्थ ना डालें, एक पदार्थ आप 2 घंटे पहले ले सकते हैं, इस प्रकार का ध्यान रखते हुए अपने योग मार्ग में आगे बढ़े। इतने कहते हुए आज की कक्षा का विराम देंगे। वसुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, हमारे प्राणदत्त सत्सुरूप स्वामी देवदत्त महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनके चरणों से आशीर्वाद के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं। वसुदेव भगवान की जय।